बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाने जा रही हूँ, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जब हम सॉल्व की बात करते हैं तो सॉल्व के मीनिंग होते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। मीनिंग समझ रहे हैं आपके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। अब यहाँ पे अननोन क्या, जो आपका क्वेश्चन है उसमें अननोन आपके पास इस वक्त एक्स है, इट मींस कि मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ऐसे लोज के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा चेंज करके भी दे सकते हैं, एग्जाम में मे बी आपको टी दे दें, वी दे दें, डब्ल्यू दे दें, जी दे दें, कुछ भी दे सकते हैं आपको चेंज करके, लेकिन आपको फाइंड आउट करनी होगी अननोन की ही वैल्यू, यानी कि ए टू जी अल्फाबेट में से कोई भी अननोन वो आपको इक्वेशन के अंदर दे सकते हैं, इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हैं। अब जो ये जो वर्ड है इक्वेशन, इक्वल से निकला है, इसके अंदर आपको इक्वल्स टू का सिंबल ज़रूर नज़र आएगा लाइक दिस। एक टर्म होती है एक्सप्रेशन, ये मैं जस्ट जनरल एक डिस्कशन कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सप्रेशन बेटे, इसमें इक्वल्स टू का सिंबल नहीं होता, लाइक 2x² प्लस एक्स और 2x प्लस 3y, जस्ट इस तरीके से लिखा होगा, इक्वल्स टू का सिंबल नहीं होगा। तो और इक्वल्स टू जब मौजूद होते हैं इक्वेशन के अंदर, इसका इसके मीनिंग होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये इस वाली साइड यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। और जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एक्स की, और आप जब इसको वापस पुट करेंगे इन इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो फिर आप देखेंगे कि वाकई में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर -1 एक तरफ आ रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ भी -1 ही आना चाहिए। सो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर के अंदर हमने इनका एलसीएम लेना है, ये फ्रैक्शन है, ये वाली ये चीज़ भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम परफॉर्म किया जाता है। सो मैं एलसीएम ले लेती हूँ। जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं, ये ऊपर वाली टर्म्स न्यूमरेटर, नीचे वाली जो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी पहले आप उसको लिख दें, मल्टीप्लाई की साइन लगाएं। जो सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म है, यानी कि 2 है यहाँ पर, तो आप इसको लिख दें और बस आपने और कुछ नहीं करना। जो भी डिनोमिनेटर के अंदर लिखा होगा उसको बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगाकर आपने उनको लिख देना है। अब देखें, यहाँ 3 है, 2x/3 के डिनोमिनेटर, यानी कि जो 3 है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये 3 और ये 3 सेम है, जो चीज़ सेम होगी वो कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेनिंग पार्ट होगा हम उसको ऊपर लिख देंगे। अब ऊपर ऑलरेडी 2x मौजूद है, क्योंकि x सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। माइनस की ये वाली जो साइन है ये एज इट इज़, और यहाँ पर 2 और 2 सेम है, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हम ऊपर लिखेंगे। ऊपर ऑलरेडी 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो हम इसको सिंपल एक्स ही लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो 1 से मल्टीप्लाई होती है वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इक्वल्स टू, अब देखें बच्चों, इसके डिवाइड में तो कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 सपोज कर सकती हूँ, अगर डिवाइड में कुछ ना हो तो 1 होता है। लेट्स से कि इसके डिवाइड में 1 है, तो मैं अब क्या करूँगी, अगेन जो है मैं एक लाइन लगाऊँगी, 1 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखें 1 और 1 सेम है, कैंसिल हो गए, 6 ऊपर लिखा जाएगा, x यहाँ पे मौजूद है, हम x को लिख लेंगे, प्लस की साइन एज इट इज़, 6 और 6 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, और ये आपने जो ऊपर वाला 1 था उसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये सबसे सिंपल तरीका है एलसीएम लेने का, ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनको समझ में ही नहीं आता कि एलसीएम लिया किस तरीके से जाए, तो बाकी जिसको अगर एलसीएम लेना आता है वो अपने मेथड से ले सकते हैं। मैं तो सिंपल इसको उन बच्चों के लिए ख़ासतौर पर करवा रही हूँ जिनको एलसीएम लेना नहीं आता। तो बेटे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, इक्वल्स टू 6x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय
सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन सिक्स। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और सिंगल टर्म है, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसको अगर ये कन्फ्यूजन आपको हो रही है तो आप क्या करें, आप डायरेक्ट कैंसिल ना करें। जिन बच्चों को मैथ्स आती है वो डायरेक्ट कैंसिल कर दें, जिनको नहीं आती उनकी बेस थोड़ी सी वीक है वो यहाँ पर इसको, ये यहाँ डिवाइड में है सिक्स, तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं कि इक्वल्स टू के एक तरफ अगर कोई चीज़ प्लस है तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और अगर कोई चीज़ इक्वल्स टू के एक तरफ डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी कि ऊपर लिखा जाएगा, और अगर वो एक तरफ इक्वल्स टू के अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो दूसरी तरफ वो डिवीजन की फॉर्म में होगी। सो हम यहाँ पे सिक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, साथ साथ हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, ये सेम टर्म्स हैं, तो फोर में से थ्री जाएगा, वन बचेगा, वन एक्स। वन को वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर वो अगेन वही बात है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसलिए लिख रही हूँ। सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सिक्स। अब देखें ये सिक्स और ये सिक्स कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये सेम टर्म है, ऊपर वन टर्म है और नीचे भी वन टर्म है। अगर यहाँ पर इस सिक्स में और इस ब्रैकेट के बीच में कोई प्लस माइनस की सिग्नेचर कोई साइन होती तो मैं इसको ना कैंसिल कर सकती, क्योंकि उस वक्त सिंगल टर्म ना होती बल्कि प्लस और माइनस के साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ में देखें, मैं टॉप पे लिख रही हूँ टू एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय वन इलेवन कर लेते हैं, तो ये सब लिखा हुआ जो है ना ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। लेकिन अगर इसके बीच में मैं लगा दूँ प्लस माइनस, जैसे कि प्लस थ्री एक्स प्लस इलेवन, तो ये अब थ्री टर्म्स हो गई हैं। तो प्लस माइनस लगने से ये टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा यानी कि काउंट होंगी जितनी भी मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में तो सिंगल टर्म काउंट होती है। तो यहाँ पर देखें तो सिक्स और ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी बच्चे इसी बात पर करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे वन एक्स इक्वल्स टू, पीछे आपके पास रह जाएगा सिक्स एक्स प्लस वन, क्योंकि सिक्स से कैंसिल आउट हुआ तो ये वन और वन है। अब आपने करना क्या है, सेम टर्म्स को एक तरफ लेकर आना है, क्योंकि ये सिक्स एक्स ठीक है और ये वन एक्स, ये सेम टर्म्स है, और जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। तो आपने इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर आके ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल्स टू वन, यहाँ पर प्लस वन है, मैं प्लस का सिंबल नहीं लगा रही क्योंकि प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ यहाँ माइनस वन होता तो मैं यहाँ पे माइनस मेंशन करती। अब यहाँ पर वन में से सिक्स माइनस होगा तो माइनस फाइव बचता है और एक्स अपनी जगह पर रहेगा, यानी कि वन एक्स माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस का इक्वल्स टू वन। और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये होगा वन डिवाइडेड बाई माइनस फाइव, ठीक है, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं और एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई फाइव। तो ये सिंपल जो है वो आपका आंसर आ गया, या आप सॉल्यूशन सेट पे लिख दें। सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका एक ही आ रहा है माइनस वन बाय फाइव, और ये ब्रैकेट को ठीक कर लीजिएगा। दिस इज योर आंसर।